और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम अरुण प्रभुदेसाई से ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 130 में आपका स्वागत है। आज भी लाए हैं आपके लिए कुछ जबरदस्त टेक न्यूज, साथ में हमारा टेक्नोलॉजी फन फैक्ट। लेकिन जैसे हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं ये वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो का हमारे फीचर कमेंटर है संबित कुमार दास। दोस्तों Xiaomi ने जस्ट 2-3 दिन पहले ही या फिर पिछले हफ्ते में लॉन्च किया Redmi 6 और 6A चाइना में। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि Redmi 6 Pro भी लॉन्च होगा, लेकिन नहीं लॉन्च हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा फोन नहीं है। लेकिन अब खबर ऐसे सामने आ रही है कि सिर्फ Redmi 6 Pro ही नहीं, साथ में Mi Pad 4 और साथ में Mi Max 3, ये तीनों भी बहुत जल्दी लॉन्च होंगे, क्योंकि उनके जो वेबसाइट है चाइना की वेबसाइट, उसके कोड के अंदर इसके रेफरेंसेस मिले। और ये जो फोन है दोस्तों Mi Pad 4, ये आने वाला है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर पे। Mi Max जो है, Mi Max 3, वो है Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर पे। Redmi 6 Pro जो है, उसका अभी तक पता नहीं है कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन तीन अलग अलग वेरिएंट्स में आता है वो, 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM। और दोस्तों इसमें 19:9 एस्पेक्ट रेशियो, नॉच डिस्प्ले वगैरह होने वाला है। और ये जो फोन है कब लॉन्च होंगे पता नहीं, लेकिन ये जरूर एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। और दोस्तों OnePlus 6 सुपर हिट हो गया है। जी हाँ, OnePlus ने आज अनाउंस किया कि उन्होंने OnePlus 6 के साथ पूरे सेल्स रिकॉर्ड शैटर कर दिए है। जी हाँ, 22 दिनों में 1 मिलियन, इसका मतलब 10 लाख OnePlus 6 बेच दिए है, और ये फास्टेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है OnePlus का अभी तक का, बेस्ट एंड फास्टेस्ट सेलिंग। जी हाँ, अच्छी बात है। और इसी मौके पे बहुत सारे नए नए स्कीम्स लॉन्च किए हैं OnePlus ने। उन्होंने कहा है कि भाई जो OnePlus 6 के ओनर है, जिन्होंने Amazon के ऊपर से खरीदे, उनको और एक फोन OnePlus 6 का ही जीतने का मौका है, और हर रोज 2 फोन्स वो जीत सकेंगे। ऐसे टोटल 20 तारीख तक या 30 तारीख तक, अगले 12 दिनों तक ये चलेगा, और इसका मतलब 24 OnePlus 6 जीत सकेंगे OnePlus 6 के ही ओनर्स। साथ में दोस्तों एक्सचेंज ऑफर्स, नो कॉस्ट EMI फॉर 3 मंथ्स, नो कॉस्ट मतलब नो इंटरेस्ट EMIs फॉर 3 मंथ्स, बाद में एक्सेसरीज पे डिस्काउंट, सिटी बैंक की तरफ से कैशबैक, ऐसे बहुत सारे नए नए ऑफर्स OnePlus ने लॉन्च किए हैं OnePlus 6 के सेल्स की खुशी में। दोस्तों WhatsApp ने पायलट रन किया था उनका UPI का जो फीचर है WhatsApp पे, बहुत कम लोगों के लिए ओपन किया था, लेकिन अब मासिस को यानी सभी पब्लिक को WhatsApp पे आ रहा है। इनफैक्ट रोल आउट चालू हो गया है। अगर नहीं आया है तो आपको इनवाइट लिंक आएगी, जिसके पास WhatsApp पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है वो इनवाइट कर सकता है 20 लोगों को, और उसके बाद में आपको इनवाइट आने के बाद आपके WhatsApp के ऊपर भी एक्टिवेट हो जाएगा WhatsApp पे, जो UPI के ऊपर बेस्ड है, और आप भी अगेन 20 लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। दोस्तों एक बात कह दूं, WhatsApp पे मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीका है पैसे ट्रांसफर्स करने का अपने दोस्तों के साथ। शायद आगे आगे सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं, आप बिल पेमेंट वगैरह कर पाओगे, रिचार्ज भी कर पाओगे, पता नहीं WhatsApp क्या करेगा, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा हेडेक जो हो गया है वो हो गया है मोबाइल वॉलेट्स को, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज वगैरह हैं, क्योंकि एक बार WhatsApp के ऊपर आप ट्रांसफर कर पाएंगे तो मोबाइल वॉलेट क्यों कोई यूज़ करेगा। और दोस्तों ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदना अब बहुत कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च का एक रिपोर्ट आया है, उसमें ऐसे कहा जा रहा है कि 38% जितने भी स्मार्टफोन्स बिके गए उसमें से 38% ऑनलाइन बिके गए। इसका मतलब 100 अगर स्मार्टफोन बिकते हैं तो 38 लोगों ने ऑनलाइन खरीदे हैं। और दोस्तों ऑनलाइन में सबसे बड़ी वेबसाइट जो है वो सामने आई है फ्लिपकार्ट की। जी हाँ, जितने भी खरीदे लोगों ने ऑनलाइन स्मार्टफोन्स, 54% फ्लिपकार्ट से खरीदे एंड 30% जो है वो अमेजोन से खरीदे, और तीसरे नंबर पे आता है Mi.com, 14% लोगों ने Mi.com के ऊपर से खरीदे। और अगर स्मार्टफोन के पास देखे गए कि भाई कौन से ब्रांड्स के फोन खरीदे गए, तो 57% सिर्फ Xiaomi के फोन्स गए। इसका मतलब 100 फोन्स जो ऑनलाइन बिके गए, 57 फोन्स जो थे वो सिर्फ Xiaomi के थे, 14% थे Samsung के और 8% थे Huawei Honor के। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि इतने सारे फोन्स Xiaomi बेच सकता है ऑनलाइन, सोचिए, इसलिए वो बन गए हैं इंडिया के नंबर 1 स्मार्टफोन सेलर। दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M1, ये जो फोन बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोगों ने खरीदा, और वो वोल्टी सपोर्ट करता था सिर्फ, लेकिन जियो के लिए अब
Asus ने नया OTA अपडेट लेके आए हैं, जिसमें अब वो वोल्टी सपोर्ट दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया एयरटेल के लिए भी। इसका मतलब ये जो नया OTA अपडेट है उसके साथ आप वोल्टी कॉल्स कर पाएंगे बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जियो छोड़ के, मतलब एयरटेल आइडिया वोडाफोन वगैरह। दोस्तों इतना ही नहीं, वो ला रहे हैं जून का सिक्योरिटी पैच या सिक्योरिटी अपडेट जो है वो सिर्फ पिक्सेल फोन्स पे आया हुआ है और अब आएगा असुस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। इसका मतलब असुस सही में टाइमली अपडेट्स दे रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और एयरटेल की कोशिश जारी है कि भाई जियो के साथ टक्कर देते रहे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब तो डबल धमाका ऑफर के साथ एयरटेल को तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि लोग उनके पास नहीं आ रहे, तो उन्होंने जो उनका 99 का प्लान है उसका जो डेटा वो पहले देते थे उससे डबल कर दिया है। पहले ₹99 के प्लान में एयरटेल देता था 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS डेली। अब वो दे रहे हैं 2 GB डेटा पर डे, नहीं पूरे महीने में, क्योंकि 99 रुपीज का प्लान है ये, तो महीने में आप 2 GB इस्तेमाल कर सकेंगे, जो डबल है पहले से, और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS 100 SMS दिन के है, और इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों वो है 28 डेज, जो पहले से ही थी। इसका मतलब ये जो एयरटेल का प्लान है दोस्तों वो सेम जो जियो का 98 रुपीज का प्लान है वैसे ही सेम हो गया है 99 रुपीज का एयरटेल का प्लान। और दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे ट्रैकिंग टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ, कल के जो मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए थे आपको, बहुत सारे लोगों को पसंद आए, कमेंट्स में आपने बताया कि भाई बहुत अच्छे थे, आज का जो फन फैक्ट था बहुत अच्छा था, इसीलिए आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जबरदस्त इंटरेस्टिंग इंटरनेट के स्टैटिस्टिक्स। कल मैं 1 मिनट में क्या होता है वो बोल रहा था, आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट पे 1 सेकेंड में क्या होता है। 58,000 GB का डेटा जनरेट होता है इंटरनेट के ऊपर 1 सेकेंड में। 8,000 ट्वीट्स ट्विटर के ऊपर भेजे जाते हैं। 850 इंस्टाग्राम के फोटोग्राफ्स 1 सेकेंड में अपलोड होते हैं। 3200 स्काइप कॉल्स होते हैं, 3200 स्काइप कॉल्स 1 सेकेंड में। और दोस्तों क्या आपको पता है कि YouTube पे कितने वीडियोस देखे जाते हैं 1 सेकेंड में? चलिए यही है आज का सवाल, बताइए हमें कि YouTube पे 1 सेकंड में कितने सारे वीडियोस देखे जाते हैं, उनके नंबर्स बताइए हमें कमेंट्स में। और दोस्तों अब वक्त हो गया है कल के सवाल का जवाब देने का। मैंने पूछा था YouTube पे 1 मिनट में कितने घंटों के वीडियोस अपलोड होते हैं, और जवाब है 300 आवर्स, 300 घंटे के वीडियोस 1 मिनट में अपलोड होते हैं यूट्यूब के ऊपर। कितने लोगों ने ये सही जवाब दिया जरूर बताइएगा हमें। चलिए दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 130 इधर ही समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।